नमस्कार, इस डीप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कोविड 19 की रोकथाम को लेकर बैठक में शामिल हुए चिराग पासवान, डीएम से ली गई कई जानकारी। बिहार में कोरोना को लेकर टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 3992 संक्रमित, पटना में 534 मामले आए सामने। लालू यादव की पार्टी राजद पहले विकास से दूर भागती थी, अब चुनाव से भी भाग रही, कहा जेडीयू ने। इस महीने के अंत तक आ जाएगा फाइनल अनलॉक का गाइडलाइन, 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने की भी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। खबर जमुई से। आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान जमुई जिलाधिकारी द्वारा आयोजित वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। जमुई जिलाधिकारी की ओर से कोविड 19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने के लिए साप्ताहिक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सांसद ने जमुई जिलाधिकारी से प्रत्येक प्रखंड में कोविड 19 से जुड़ी जानकारी मांगी, साथ ही साथ जिले में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज तक 202 लोग आइसोलेशन में हैं और 88 लोग क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हैं। जिले में लगभग 16,000 लोगों के कोविड 19 की जांच की गई है। खबर पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 7 अगस्त का कोरोना अपडेट जारी किया गया है। राज्य में बीते 24 घंटे में 3992 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 75,786 पर पहुंच गई है। बिहार में यहां जहां अब तक यह सबसे बड़ा अपडेट है, वहीं कोरोना को लेकर राजधानी पटना में भी नया रिकॉर्ड बन गया है और एक साथ 534 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, उसमें पटना के बाद बेगूसराय में 210, अररिया में 106, भोजपुर में 119, पूर्वी चंपारण में 139, कटिहार में 193, मधुबनी में 117, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा 120 और रोहतास 131 मामला सामने आया है। राजद द्वारा कोरोना संकट में चुनाव टालने की मांग पर सत्ताधारी जेडीयू ने अटैक किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि राजद हमेशा से ही भागती है। उन्होंने कहा है कि राजद शुरुआत से ही विकास से दूर भागती आई है, अब भागते भागते हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें चुनाव से ही डर लगने लगा है। उन्हें आभास हो गया है कि अब जनता विकास के मॉडल को समझ गई है और अगर चुनाव हुए तो उनकी शर्मनाक हार तय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि बाढ़ और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में मति भ्रम की स्थिति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकले और राज्य सरकार का बिहार के विकास की जो गति और नीति है उसके साथ अपनी गति मिलाकर चले। राजनीतिक नौटंकी को बंद करे। बिहार की जनता ने मान लिया है कि बिहार में चुनाव है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और IAMM के नेताओं के बीच बातचीत को व्यक्तिगत मुलाकात कहा। वहीं इशारों में उन्होंने यह भी बात कह डाली कि राजनीति में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता, मतलब साफ है कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी के साथ AIMIM के कई नेताओं से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। हर दिन श्री जीतन राम मांझी जी के साथ कई पॉलिटिकल के राजनीतिक नेता आकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि हम उनसे अलायंस कर रहे हैं, लेकिन एक बात भी साफ है कि राजनीति में कौन कब किसके साथ अलायंस करेगा ये कहना अभी ठीक नहीं होता है, लेकिन जो अभी मुलाकात की बातचीत है ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।
लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पटना से। बिहार में प्राइमरी स्कूलों में करीब 94,000 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया साल भर से चल रही है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। शिक्षक अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब पटना हाईकोर्ट ने नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, लिहाजा अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी शिक्षकों का नियोजन का कार्य ठप हो गया है। सरकार पर बढ़ते दबाव के बाद कक्षा 6 से 8 तक के लिए नियोजन की प्रक्रिया चालू रखने और सिर्फ नियोजन पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है, लेकिन वर्ग 1 से 5 तक के लिए तो पूरी प्रक्रिया ही बाधित है। खबर पटना से। बिहार कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 6 अगस्त को राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और आगामी रणनीति के बारे में बताया। इसके बाद अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल एक बार फिर से आज शाम बिहार आ रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल आज शाम पटना पहुँचेंगे और 9 अगस्त को भी पटना में ही रहेंगे। गोहिल पार्टी के साथ नेताओं के साथ मुलाकात और मीटिंग करेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी गोहिल आज शाम पटना पहुंचने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद रात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के साथ भी मुलाकात कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से जानकारी दी गई है, उसके अनुसार वे 9 अगस्त को दिन के 11 बजे से 2:30 के बीच पूर्व निर्धारित मुलाकात करेंगे, फिर शाम में भी नेताओं से मुलाकात करेंगे और रात में सदाकत आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। खबर नालंदा से। कोरोना काल में भी बिहार में वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी लगातार वर्दी वाले को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने नालंदा को निशाने पर लिया है। नालंदा में शख्स का मर्डर कर दिया गया है। खबर के मुताबिक नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या के मोटिव का पता किया जा रहा है। इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चालू है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा, और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार, पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार।
परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन सब के बीच राजधानी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर का जाप के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। घेराव करने वाले लोगों का कहना है कि डिप्टी सीएम बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास का जाप के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सुशील कुमार मोदी जी के आवास पर प्रदर्शन करने छात्र पहुंचे थे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है यहाँ पर? कार्रवाई गई तो सब सोचे थे घेराव करने के लिए, यहाँ घेराव करने की जगह नहीं है। और जिसमें से कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे तो दो के हिरासत में लेकर के हम लोग थाना भेजे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी उसको। देश में कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार चले गए हैं, लेकिन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण मार्च के आखिरी हफ्ते से ही सभी स्कूल बंद है। इस योजना के हिसाब से सचिवों के एक समूह के साथ चर्चा भी हो चुकी है। खबरों की माने तो इसके लिए कोविड 19 का प्रबंधन देख रहे मंत्रियों के एक समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कोरोना के लिए फाइनल अनलॉक गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है, जिसमें इस फैसले को नोटिफाई करने का काम सरकार कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 34 विधायकों ने जमानत ले ली है। इन लोगों के विरुद्ध गत 29 मई को पटना के सचिवालय थाना में केस संख्या 64/20 के तहत लॉकडाउन अधिनियम उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत आरजेडी के उन सभी 34 विधायकों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर कांड के विरुद्ध गोपालगंज जाने को लेकर राबड़ी देवी के आवास के बाहर 29 मई को अपने अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 4 घंटे से अधिक वक्त तक जाम कर हंगामा किया था और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। दरअसल तेजस्वी यादव गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े इस हत्याकांड में आरोपी जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने विधायकों के साथ पटना से गोपालगंज रवाना होने वाले थे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी विधायक एक एक कर पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे से जुटने शुरू हो गए थे। एक एक कर 34 विधायक अपने समर्थकों के साथ राबड़ी आवास आ गए थे। इस बीच तेज प्रताप यादव भी अपनी माँ राबड़ी देवी के आवास पहुँच चुके थे। जिला परिवहन कार्यालय पटना का अब अपना भवन होगा। फुलवारी शरीफ में लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अलग भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय पटना में तमाम तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय पटना बिस्कोमान भवन में किराए पर संचालित है। इस भवन के निर्माण से एकीकृत परिसर में आमजनों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।